देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं प्रतीक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका HBN न्यूज में, और अब वक्त है 5 मिनट में 25 खबरों का। चुनावी हलचल, मायावती के गुंडा बोलने पर भड़के भाजपा प्रत्याशी, कहा चुनाव बाद वह जेल में होंगी। सैम पित्रोद बोले 15 साल से सांसद है राहुल गांधी, फिर नागरिकता पर विवाद क्यों। फैनी 20 साल की सावधानी, 3 महीने की तैयारी और नई तकनीकों से रोकी तबाही। सीताराम येचुरी का विवादित बयान, बोले हिंदू अहिंसक नहीं, ये कहना ठीक नहीं है। 967 प्रत्याशियों में सिंधिया गंभीर सबसे अमीर, हर तीसरे उम्मीदवार करोड़पति। पश्चिम बंगाल पहुंचा फैनी, 6 मई को स्थिति का जायजा लेने ओडिशा जाएंगे पीएम। टूटेगा 119 सालों का रिकॉर्ड, जनवरी 2019 में 8.87 डिग्री बढ़ा जमीन और महासागर का तापमान। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद बंगाल की तरफ बढ़ा तूफान फैनी का खतरा, अब तक 8 की मौत। एमपी और यूपी के बाद दिल्ली में प्रचार अभियान को पंख लगाएंगे अमित शाह। मसूद पर बैन लगाने वाली पहली बैठक टालना चाहता था पाकिस्तान, चीन को बनाया था हथियार। 7वां चरण नाम वापसी के बाद बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा, मीरा कुमार समेत कुल 159 प्रत्याशी। ब्रजेश ठाकुर और अन्य ने 11 लड़कियों की कथित रूप से की हत्या, सीबीआई। लोकसभा चुनाव 2019, 125 दिनों में पीएम मोदी के 200 कार्यक्रम। ओडिशा में फैनी चक्रवात के बाद पैदा हुई बच्ची, डॉक्टरों ने नाम दिया बेबी फैनी। कानपुर सीएसडीएमयू बीकॉम तृतीय वर्ष का परिणाम एवं बीएड एमएड की परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी। 12 मई को रुद्रपुर में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, यहां 5 साल बाद करेंगे जनसभा। नोएडा में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, 50 से अधिक लोग घायल। दिल्ली की जनता को प्यासा मारने की साजिश, मनीष सिसोदिया। उत्तराखंड में महसूस हुए भूकंप के झटके। अमरिंदर सिंह बोले एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना गलत नहीं, 1965 युद्ध में मेजर कान काट कर लाता था। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 278 धुरंधर मैदान में, 19 मई को ईवीएम में कैद होगी किस्मत। आईपीएल 2019 दूसरे स्थान पर रहने के लिए आज बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी दिल्ली, राजस्थान से होगी भिड़ंत। आईपीएल 2019 कोलकाता ने पंजाब को 7 विकेट से रौंदा, प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। तीसरी बार मां बनने जा रही हैं ब्लैक लाइवली, बेबी बम्प फ्लॉन्ट करके सामने आई तस्वीरें। जुड़वा बच्चों संग एयरपोर्ट पर नजर आई सनी लियोनी, यूजर्स बोले आ गया दूसरा तैमूर। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।